आग बुझने के बाद मैं वहाँ पे गई थी देखने के लिए। ये देखिए बाइक जल के एकदम, इसका बॉडी सिर्फ बचा हुआ है। ये बेरी में धान रखाया हुआ था तो ये धान भी पूरा जल गया है। ये तो घर पूरा जल के राख हो गया है, घर का घर था भाई। ये पुश कर लो, ये ड्राम में गेहूँ रखाया हुआ था, सब गेहूँ भी जल गया है। ये वही जगह है जहाँ सिलेंडर फटा हुआ है। इनके घर का एक भी सामान नहीं बचा हुआ है। हाँ, हो जाने उन बेरिक लगाएंगे सुन को तो लगा होगा बताओ क्या हो गया है। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को सिलेंडर का क्या हाल हो रहा है। कुछ नहीं घर में, ये ट्रंक का कपड़ा है जो बिल्कुल जल के राख हो गया है। ये वही जगह है जहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, रखाया हुआ था सिलेंडर। बड़का गस नुआ रे, बड़ छोटका गस नानू हाँ, बड़का गस को धन करो वो नीचे हॉल को ब्रेंडर का क्या हाल हुआ है। हाँ अब्बा नो सब प्रतिबार पूरा फट गया है क्या हो, ये अपने मन निकल को उधिया के बाहर आए बड़ा घर, इनके घर वाले बोल रहे थे कि गैस नहीं था, गैस नहीं था, उसके बावजूद भी ये सिलेंडर और ना भयानक फटा हुआ है। शुक्र करिए कि किसी आदमी को नुकसान नहीं हुआ है, सब कोई बच गया है। लेकिन मेरे गांव में एक लड़की का आज बारात आने वाला था, उसका पूरा भोज बन रहा था, पूरा जल के राख हो गया है।